जिले के झगहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को भतीजे ने चाचा की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मुकामी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और छानबीन करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को झगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जमरू में हरिनारायण यादव की उसके घर से 300 मीटर दूर गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि मृतक के भाई स्वर्गीय वीरेंद्र के पुत्र चंद्र केतु ने एक अज्ञात युवक के साथ मिलकर हरिनारायण के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया, फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। मृतक हरिनारायण चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। 2 माह पहले 2 भाइयों वीरेंद्र और शंकर की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। छोटा भाई राजेंद्र अलग रहता है। हरिनारायण के 8 बच्चे हैं, 2 लड़के अमरनाथ, फुलकेश और 6 लड़कियां, जिसमें 3 बच्चियों की शादी कर दिया है। मृतक के बेटे ने बताया कि मेरे पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आरोपी चंद्रकेतु के पिता वीरेंद्र यादव की 2 माह पहले बीमारी से मौत हो गई थी, जिसको लेकर उसके परिजन मृतक हरिनारायण के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उसने भूत प्रेत के चक्कर में वीरेंद्र को मार डाला। इस बात को लेकर तभी से चंद्रकेतु बदले की आग में सुलग रहा था। शुक्रवार को चंद्रकेतु अचानक धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के लड़के अमरनाथ यादव की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें संबंध में SSP दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि जगहा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने सगे चाचा की हत्या कर दी है। हत्या करने वाला युवक मौके से फरार हो गया है। हत्यारोपी के पिता की कुछ महीने पहले मौत हुई थी, जिसको लेकर हत्यारोपी को अपने चाचा पर शक था। प्रथम दृष्टया हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हत्या के अन्य कारणों की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, जगह में गांव में सगा चाचा को भतीजे के द्वारा चाकू से वार करके हत्या कर दिया गया है और मौके से फरार हो गया है। पूर्व में कभी थाने में इस तरह के कभी कोई शिकायत नहीं रहा है। वजह क्या है, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्राप्त जानकारी के अनुसार जो भतीजा मर्डर किया, उसके फादर की डेथ अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। उसकी डेथ की जिम्मेदार अपने चाचा को समझ रहा था, इसके चलते आज उनकी हत्या किया है। तो उसको गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। पोस्टमार्टम में तो बॉडी को मर्चरी भेजा जा रहा है। आगे जो विधिक कार्रवाई की जा रही है।